हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस एकेडमी। चलिए एक्सरसाइज 10.2 की बात कर लेते हैं और इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद आइए सेकेंड क्वेश्चन को देख लें। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एन एंगल दैट मेजर मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए ध्यान कीजिएगा, एक बार बता देता हूं आपको, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब 0 डिग्री से लेके यानी कि 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ओके। और 0 डिग्री को क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। अब 91 डिग्री से लेके 91 डिग्री से लेके अगर आप 179 डिग्री तक आ जाए, ठीक है, क्योंकि तो जो 180 डिग्री है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब 91 से लेके 179 डिग्री तक अगर आप गौर से देखिएगा तो इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। 180 डिग्री से लेके 180 डिग्री से लेके 181 डिग्री कह दीजिए, 359 डिग्री तक के मेजरमेंट को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एंगल्स का क्या वैल्यू रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल, 360 डिग्री मीन्स कंप्लीट एंगल, हो गया। अब इसके बाद एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। एक्यूट 1 डिग्री से लेकर 89 यानी कि 90 डिग्री से कम, 0 से ज्यादा एक्यूट, 90 से ज्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूज, 180 से ज्यादा 360 से कम रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आप याद कर लीजिए। तो उसके बेसिस पर अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि 180 डिग्री इज कॉल्ड मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये आपका क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, तो ये क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। एन एंगल मेजर 190 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल, क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। मेजर एग्जैक्टली 360 कॉल्ड कंप्लीट एंगल, क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। एग्जैक्टली 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, तो नहीं, 0 डिग्री को हम 0 डिग्री एंगल कहते हैं, तो ये फॉल्स बनेगा। तो ये रहा आपका ट्रू फॉल्स का सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल्स। अब आप अपने क्लासरूम में देखिए और समझ गए हैं तो इसके बारे में आंसर आप खुद से निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आस्किंग, मार्कर ले लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपको कि भाई स्टेट बाई ऑब्जर्वेशन। अब आपको बाई ऑब्जर्वेशन इसको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा एंगल आपका ग्रेटर देन होगा। तो नॉर्मली इसके लिए क्या करना होता है, आप इस डिस्टेंस को देख के ऑब्जर्व कीजिए कि इनके बीच का जो दो आर्म्स के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, जिसको एंगल डिस्टेंस कहते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, उसके बेसिस पे देख सकते हैं कि विच इज द ग्रेटर ऑफ टू। अब यहाँ पे इस एंगल का नाम एंगल ए है और इस एंगल का नाम एंगल बी है, तो आप बताइए कौन सा एंगल आपको ग्रेटेस्ट लग रहा है। सही कहा आपने कि एंगल बी जो है वो एंगल ए से ग्रेटेस्ट एंगल। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, एंगल सी और एंगल डी में कौन सा एंगल आपका ग्रेटेस्ट लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एंगल डी जो है वो एंगल सी से ग्रेटेस्ट एंगल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। इसी में थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे बताइए कि थर्ड और इसमें कौन सा है। अब देखिए ये जो है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा ये। तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट हमेशा 180 से ज्यादा होता है जबकि ऑब्ट्यूज का मेजरमेंट 180 से कम होता है। कौन सा एंगल बिगेस्ट होगा आपका, तो एंगल ई जो है वो बिगर है किससे, एंगल एफ से। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। इससे पहले मैं इस कंपोनेंट ब्लैक स्क्रीन को शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट हम सॉल्व कर सके अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे डी को देखिए, अगर इसको मेजरमेंट देखना है ना तो यहाँ पे इसकी दूरी देखिए, है ना, इसके बीच के डिस्टेंस को देखिए और इसके बीच के, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये कम हो गया
और इसका डिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये ज्यादा हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि एंगल डी जो है वो एंगल ई से ग्रेटेस्ट एंगल कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ द एंगल्स हुज मेजर्स आर गिवन। तो अगर आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 86 डिग्री है। तो 86 डिग्री का अगर हम बात करें तो ये कौन सा एंगल होगा, तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। उसके बाद सेकंड आपको क्या क्या दिया हुआ है, 145 डिग्री दिया हुआ है। तो 145 डिग्री को अगर आप देखिएगा तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 32 डिग्री। तो 32 डिग्री भी आपका कौन सा एंगल है, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है आपको 0 डिग्री दे दिया गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। उसके बाद आप फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, जहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सिक्स में 135 डिग्री। तो 135 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम है, तो इसके लिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप यू आप समझ गए होंगे कि कैसे एक्यूट होता है और कैसे ऑब्ट्यूज एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखिए, कहता है द हैंड्स ऑफ क्लॉक कवर 360 डिग्री इन रोटेशन, हाउ मेनी डिग्रीज विल अ मिनट हैंड टर्न बिटवीन 1 o'clock एंड 5 o'clock। मतलब एक रोटेशन में टोटल 360 डिग्री बनता है। तो अब ये आपसे जो कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। जैसे मैं इस प्रोटेक्टर को छोटा करता हूँ पहले, एक बार आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये मैंने छोटा सा एक सर्कल बनाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से लिया और इसको इसके अराउंड घुमा के ये, चलो सर्कल बन गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, सर्कल बन चुका है हमारा, तो प्रोटेक्टर को भी मैंने ऑफ कर दिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं घड़ी हमें बनानी पड़ेगी, क्लॉक बनानी पड़ेगी। कहता है कि हैंड्स क्लॉक्स कवर 360 डिग्री, यानी कि ये सेंटर पॉइंट है आपका, दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, तो यहाँ पे मैं पहले इस पूरे क्लॉक को चार भाग में बांट देता हूँ। तो चार भाग में अगर बांट दिया तो ये आपका 12 o'clock है, ये आपका 3 o'clock है, ये आपका 6 o'clock है, ये आपका 9 o'clock है। कहता है हाउ मेनी डिग्री विल अ मिनट हैंड टर्न बिटवीन 1 o'clock एंड 5 o'clock। मिनट हैंड, हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड टर्न, टर्न मिनट हैंड कितना डिग्री का टर्न लेगा, आपसे ये जानना चाहता है। तो कहता है कि मिनट हैंड जो है वो अभी 1 o'clock पे है, कहाँ पे है, 1 o'clock पे। ये 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, दिस इज 5। इसने कहा कि पूरा कवर करने में उसको 360 डिग्री लगता है, तो मतलब 1 से लेके जब आप 12 तक पहुंच जाते हैं तो आपको टोटल 360 डिग्री डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर आप 12 से 1 तक आएंगे तो कितना डिग्री, तो टोटल यहाँ पे कितने डिग्री है, 12 डिग्री है। तो इसका मतलब कि 360 डिग्री को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी है, अगर कोई क्लॉक चल रहा है, कोई सिस्टम, कोई नीडल मूव कर रहा है, तो जब वो 12 से 1 पे आएगा, 1 से 2 पे आएगा, 2 से 3 पे आएगा, 3 से 4 पे आएगा, 4 से 5 पे आएगा, 5 से 6 पे आएगा, ऐसे चल रहा होगा। तो हर एक गैप के बीच में जो मेजरमेंट यहाँ पे बन रहा है एंगल का, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। मतलब 3 से 4 के बीच में कितने डिग्री एंगल बना, 30 डिग्री बना। अब आप देखिए, आपका कह रहा है कि टर्न बिटवीन 1 o'clock टू 5 o'clock, मतलब मिनट की सुई जो थी, मिनट की सुई यहाँ पे थी, मिनट की सुई यहाँ पे थी, और वो यहां से घसकते 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 कहाँ पे आ गए, 5 o'clock पे आ गए, मतलब यहाँ आ गए। तो अब इनके बीच में कितना एंगल बना, तो इसके लिए क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा कि 5 - 1 कर दीजिए 4, तो टोटल कितना रोटेशन, मतलब 30 30 30 करके 4 हो गया।
तो ये हो जाएगा 5 o'clock से 1 है तो 30, 34 हो गया, तो टोटल रोटेशन कितने डिग्री का हो गया, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको देखता हूं। व्हाट इज एन एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 12, एट 2 और एट 2:30। तो ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब 12 बज रहे थे तो हैंड के बीच में जो दूरी है वो कितनी होगी, मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा वो, इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 360 मतलब ये 30 डिग्री तो कंसेप्ट ध्यान रहेगा आपको, तो बाकी चीज को थोड़ा सा कैलकुलेशंस में लेके आना है। चलिए एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़ जाइए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कह रहा है फाइन व्हाट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 12, एट 2 एंड एट 2:30। तो अगर मान लीजिए मैं इस घड़ी में 12 डिसाइड करना चाहता हूं, मैं बताता हूं कि अभी 12 o'clock हो रहा है, तो 12 o'clock हो रहा है इसका मतलब यहां पे छोटी सुई होगी और इसी के ऊपर एक बड़ी सुई भी हमें दिखाई दे रही होगी। तो अब आप बताइए कि जब 12 o'clock हुआ, जब आपका 12 o'clock हो रहा है सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 6, तो 12 o'clock में जो मिनट की सुई है और जो आवर की सुई है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन ऑनेस्टी अगर देखिएगा तो इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। लेकिन जब 2:30 पे आ जाइएगा, अब जब आप 2 o'clock बताना चाहते हैं, तो 2 o'clock बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब 2 o'clock के लिए सबसे पहले आप तो सेंटर को डिसाइड कीजिए, सेंटर ये हो गया। 2 o'clock में जो आवर की सुई होगी वो तो यहाँ होगी 2 पे होगी, लेकिन जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ होगी, वो 12 पे होगी। तो इनके बीच में जो एंगल बना, जो एंगल आपने बना दिया, वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे इनके बीच में अगर देखा जाए। तो आपने एक डिस्टेंस 12 से 1 तक आए और 1 से आप 2 तक आए, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो रहा है, 30 + 30 60 डिग्री का। तो 2 AM जब होगी, 2 o'clock की बात होगी, तो वहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बना, 60 डिग्री का बना। अब अगर ये कहता है कि 2:30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:30 हो जाएगा, तो 2:30 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बड़ी सुई को तो आपने रखा, छोटी सुई को तो आप चलो ले चलते हैं, मैं सबसे बड़ी सुई को, मिनट की सुई को 6 पे। छोटी सुई कहाँ जाएगा, क्योंकि आपने बड़ी सुई को 6 पे ले गए हो, तो इसका मतलब वो 50% डिस्टेंस को कवर कर लिया है। जो छोटी सुई होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, कहाँ होगी, 2 और 3 के बीच में होगी। तो अब जरा एंगल का फॉर्मेशन समझते हैं कि एंगल कितना बना होगा। तो 30 डिग्री आपने यहां से ले लिया और अगला 30 डिग्री आप यहां से ले लेंगे और अगला 30 डिग्री आप यहां से ले लेंगे, टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। और इसने हाफ डिस्टेंस को तय किया है, तो 30 का हाफ कितना होता है, 15 डिग्री। तो जो टोटल एंगल्स 2:30 पे बज रहा होगा, तो वहां पे एंगल क्या मिलेगा हमें, वहां पे एंगल मिलेगा 30 + 30 = 60 + 30 = 90 और +10 = 100 और +5 तो 105 डिग्री। कितने डिग्री का, 105 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, कब, जब 2:30 हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्स बाय द मिनट हैंड व्हाइल द क्लॉक गोज फ्रॉम 6 o'clock टू 9 o'clock। तो मिनट हैंड्स की अगर हम बात करें तो 6, 9 पे जब आप जाएंगे तो आप कितना चक्कर लगाएंगे, पहले एक चक्कर, एक घंटे के लिए आपने एक चक्कर लगा लिया तो आप 6 से 7 पे आ गए, फिर आपने एक चक्कर लगाया तो 7 से 8 पे आ गए, फिर आपने एक चक्कर लगाया तो 8 से 9 पे आ गए। तो टोटल जो चक्कर बन रहा है वो 1, 2, 3 चक्कर हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स इसने पूछा, तो 3 का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब आप कहाँ पे थे, आप थे मिनट हैंड क्लॉक गोज फ्रॉम 6 o'clock टू 9 o'clock। ठीक है, तो आपके घड़ी में भी 6 o'clock हो रहा था, तो आप ऊपर की ओर, मिनट आपका ऊपर था और आवर हैंड आपका नीचे था, ये 6 o'clock था। अब ये चक्कर काटेगा, एक घंटा पूरा है तो आप 7 पे आ जाएंगे, फिर इसने घंटा पूरा है आप 8 पे आ जाएंगे, फिर इसने घंटा पूरा है आप 9 पे आ जाएंगे। तो 6 से 7 तक में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 से 7 तक में आपको 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री क्यों बनेगा, टोटल 360 डिग्री हो गया ना। तो हमें ये देखना है कि कितना रोटेशन, 1, 2, 3, टोटल 3 रोटेशन होगा 6 o'clock से 9 o'clock पे जाने के लिए, 6 से 1 रोटेशन, 7, 8, 8 से 9, तो
थ्री रोटेशंस का मतलब हो गया 360 डिग्री मल्टीप्लाई थ्री, क्योंकि एक रोटेशन में 360 डिग्री बनना है। और एक 360 डिग्री एंगल में अगर 360 की बात करें तो इसको 90 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ राइट एंगल्स पूछ रहा है, तो कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, फोर। तो ये क्या हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू 12। तो टोटल 12 राइट एंगल्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। अब हमारे पास प्रोट्रैक्टर तो देखो रेडीमेड प्रोट्रैक्टर है, मैं इसी की मदद से आपको मेजर करके दिखा दूंगा। तो जैसे मैंने इसको सबसे पहले सेंटर पे पॉइंट किया, आप भी ऐसे प्रोट्रैक्टर को सेंटर पे पॉइंट कर लेना। पॉइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखो क्लिक करके एक एंगल बना रहा हूँ। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना हमारा यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट 46 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ हो तो। 47 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं ये 47 डिग्री के बाद। अब ये अगर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ से आ जा रहा हूँ, इसको मैंने सेंटर पॉइंट किया, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैंने एक लाइन लगाया, देखो अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये चला गया 185 डिग्री के आसपास, ये हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री मैंने बताया था, यहाँ पे करीबन 46 से 47 डिग्री बन रहा है, ये आप एक्यूरेट मेजरमेंट देख लेना। और यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा था, 185 डिग्री, है ना, 185 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम 185 डिग्री लिख लेते हैं यहाँ पे, 185 डिग्री। ओके, उसके बाद आइए अब इस वाले एंगल को चेक करना है। तो पहले सेंटर पे पॉइंट कर लेता हूं मैं, सेंटर पॉइंट करने के बाद मैं किसी भी जगह पे क्लिक करूंगा जहां से मुझे वो अलाइन करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो देखो कितने डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे, ये हमें 82 डिग्री यानी कि 80 डिग्री के आसपास में ये हमें एंगल दिखा रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 80 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया है इस जगह पे। नहीं ये गलत है, लाइन को मिलाना पड़ेगा एक बार फिर से। आइए एक बार मैं फिर से मिला देता हूँ कि एंगल सचमुच में 80 डिग्री का है या नहीं है। तो आप इसको पहले सेंटर पे डाल दीजिए, सेंटर पे डाल के कॉम्पास में आप इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा और यहाँ से एक लाइन यहाँ दबाए और ऐसे खींच दिए। ये नोट कर लीजिए आपका 80 डिग्री बन रहा है, ऑलमोस्ट 81 डिग्री दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसके बाद आइए मैं इस वाले एंगल को मेजर कर लूँ। तो यहाँ से मैंने इसको सेंटर अलाइन किया, थोड़ा सा अलाइनमेंट का भी इश्यूज हो सकता है मेरे केस में भी, डोंट वरी। और इसको यहाँ तक ले आया, कितना डिग्री एंगल बना, 49 डिग्री का। और अगर इस एंगल को मेजर करना हो तो मैं इसको यहाँ ले आऊंगा और लाइन को लाने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इसको यहाँ तक ले जाऊंगा, क्या बना, 137 डिग्री। आइए जरा इसको चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या हो गया अगर मेजरमेंट देखिए। तो मैंने इसको यहाँ पे टिक कर दिया, टिक करने के बाद ये ड्रॉ कर दिया। तो देखो कितने डिग्री एंगल, 16 डिग्री का एंगल बन रहा है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.2 का। कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं, स्टेट द टाइप ऑफ द ईच एंगल। अब यहाँ पे टाइप ऑफ द एंगल आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल अगर ऐसे होता तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाता, लेकिन आगे तक चला गया तो ये आपका क्या एंगल बनेगा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अगर इस एंगल की बात करूं मैं तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। इस एंगल की बात करूं तो ये कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल है। इस एंगल की बात करूं तो ये देखो राइट के अपोजिट में काम कर रहा है, तो आपको वो सर्कल वाले पार्ट को चेक करना है। इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद अगर आप इसकी बात करें तो ये भी आपका कौन सा एंगल बनेगा, ये आपका एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। और यहां से अगर देखा जाए तो ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो ये रहा सॉल्यूशंस आपका एक्सरसाइज 10.2 का। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।